जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग बात करेंगे, जो भी आपका एग्ज़ाम है 17 दिसंबर का, तो हम पहले भी बोले थे कि बीपीएसएससी मतलब जो डेट रखता है 90% से ऊपर चांस रहता है कि उसी डेट पर आपका एग्ज़ाम लेगा। एकदम इतना बात जान लीजिए, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दौड़ फान कोई भी हो, बीपीएसएससी का थोड़ा आयोग बहुत तगड़ा है। तो 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि अभी ये आया भी था कुछ दिन पहले नोटिस। इसके बाद अब जो बहुत सारा लड़का का मैसेज या फ़ोन आ रहा था कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, देखिए जो भी अच्छे से पढ़े होंगे उनको स्वाभाविक से बात है कि लास्ट में उनको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो हम उनको एक उपाय बताते हैं, आप लोग प्रैक्टिस सेट डेली लगाते होंगे, प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, ठीक। उसमें जितना क्वेश्चन आपका गलती होता है, मान लिया जाए 20-25 क्वेश्चन तो गलती होगा ही, या फिर 5-10 क्वेश्चन डाउट वाला रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी गलती होगा या फिर जो भी जो कुछ भी नया मिल रहा है, बस उस टॉपिक को पढ़िए। जैसे कोई भी चीज़ हमारा मुगल से जैसे गलत हो रहा है, तो मुगल वाला पूरा पढ़ लीजिए, आपको रिविज़न बस करना है, वो तो तुरंत हो जाएगा, आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं वो सब करने में। तो ऐसे आपका क्या होगा कि जैसे मान लीजिए डेली आप 10 टॉपिक भी करते हैं, तो 20 दिन बचा हुआ है तो 200 टॉपिक हो जाता है, और लास्ट में बहुत फ़ायदा करेगा। लास्ट टाइम में जो 20 टॉपिक आप लोग डेली पढ़िएगा या 10 टॉपिक ही पढ़िएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसके अलावा जो कुछ भी एक्स्ट्रा उसको आपको सेट में मिलेगा, उसके बारे में भी अपना गूगल पे सर्च कर करके इंटरनेट के माध्यम से उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। आपके पास समय बहुत है, बस इसको यूटिलाइज करना है। लास्ट टाइम में उसी ढंग से पढ़ना होता है जिस ढंग से हम बता रहे हैं, उस ढंग से आराम से पढ़िए। आपको पता भी नहीं चलेगा, समय भी निकल जाएगा, आप पढ़ भी लीजिएगा बहुत सारा टॉपिक, आपका रिदम भी नहीं टूटेगा, मन भी ऐसा नहीं करेगा कि मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, उस टाइप का भी नहीं बुझाएगा, मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा, समय भी निकल जाएगा। बाकी बच गया करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर रेगुलर पढ़िए, कम से कम 1 साल का पढ़िए। बाकी जो कुछ भी इवेंट जो 4 साल 2 साल ये सब पे होता है, पुरस्कार या कुछ भी, उसको आप लोग पिछले वाला को याद करते रहिएगा, बिल्कुल याद करिएगा। और एडिटोरिया का अभी तो नहीं आया है चांस, 2-3 दिसंबर तक सर बोले थे, तो 2-3 दिसंबर को अगर आता है तो फिर समय भी बहुत कम बचेगा। हालांकि 15 दिन दे देना चाहिए था, 15 दिन बहुत कम समय है, 15 दिन में आप खैर एक बार भी 15 दिन में पढ़ लीजिएगा तो बहुत है, वो आपका रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। इसके अलावा अभी पर्व त्यौहार तो सब कुछ अच्छा से निकल ही गया है, बस आखिरी समय है, हिम्मत बांधे रखिए। 25,000 में पहले सोचना है कि आपको 25,000 में किसी तरह आना है। कंपटीशन बहुत टफ है, लड़का लोग बहुत ज़्यादा बैठने वाला है एग्ज़ाम में, तो कंपटीशन तो टफ है ही, पढ़ने वाला का संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम लोग के जैसा है नहीं, हम लोग के समय में या हम लोग से पहले भी उतना ज़्यादा नहीं था, हम लोग के बाद से 2213 से बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने लगा है, 2446 से ही बढ़ा है, लेकिन उससे भी अब ज़्यादा बढ़ गया है इधर। अब तो 2-3 बुक को फॉलो भी करना रहता है, बाकी सब अच्छे से जो बोला गया एकदम बिल्कुल वही करिए। 1 सेट मन है 1 सेट लगाइए, 2 सेट मन है 2 सेट भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 ही सेट लगाइए। 1 सेट लगाने के बाद आप लोग ये करिए, जितना गलत होगा वो सब टॉपिक को पढ़ जाइए, वही सब करिए, उतना में हो जाएगा आपका, रिदम नहीं टूटेगा, बहुत कॉन्फिडेंस में रहिएगा, ठीक है। या फिर कुछ आपको लगे तो ज़रूर पूछिएगा, हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे, फिर वीडियो बनेगा, ठीक। जय हिंद।